नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जितना अपनी सियासत की वजह से सुर्खियों में होते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में होते हैं। तो जीतन राम मांझी को लेकर एक और खबर सामने आ रही है। दरअसल जीतन राम मांझी ने अपने एक और बयान से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि दिलचस्प यह है कि ये दिलचस्प बयान जीतन राम मांझी कई बार दे चुके हैं, एक बार नहीं कई बार वो बिहार में शराबबंदी खत्म करने की वकालत कर चुके हैं। जाहिर है आप समझ गए होंगे बयान किस चीज को लेकर है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक बक्सर में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जो जानकारी है, उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जाए, इसको लेकर हम कई बार कह चुके हैं और मेडिकल साइंस भी कहता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में शराब लेने से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दिलचस्प यह है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी वाया जेडीयू एनडीए में शामिल हुए हैं, यानी वाया जेडीयू उनकी एंट्री एनडीए में हुई है। जेडीयू के सहयोगी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी योजना है, या जिसको कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसमें कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसको लेकर वो हमेशा सख्त होते हैं और अपनी जिस योजना का, अपने जिस फैसले का जिक्र वो बार बार मंच से करते हैं शराबबंदी के, उस फैसले के बारे में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो इस पक्ष में हैं कि शराबबंदी को बिहार से हटाया जाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा अगर पिया जाए तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो अब देखना ये होगा कि बिहार में जेडीयू के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो तो सवाल उठाते ही हैं शराबबंदी पर, वो अक्सर तंज कसते हैं, निशाना साधते हैं शराबबंदी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, लेकिन जीतन राम मांझी के बयान पर क्या रिएक्शन आता है जेडीयू का। हालांकि जीतन राम मांझी कई बार शराबबंदी को लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं जो जाहिर तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नागवार गुजरा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा जेडीयू को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन जीतन राम मांझी अपने बयानों से बाज नहीं आते, जीतन राम मांझी नहीं रुकते और उन्होंने एक बार फिर इस तरह का बयान दे दिया है। तो जेडीयू की तरफ से रिएक्शन का इंतजार है। हम भी कोशिश करेंगे बातचीत हो और जेडीयू की तरफ से कोई रिएक्शन आए। हालांकि जीतन राम मांझी जो जेडीयू की किरकिरी ऐसे बयान देकर लगातार कराते रहे हैं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।